नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के कानपुर देहात में सदलपुर ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत में मतगणना के दौरान प्रत्याशियों से धांधली का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखकर दोबारा रिकाउंटिंग की मांग की गई है। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी पंचायत के चुनाव निष्पक्षता से होंगे, पर वहीं कानपुर देहात के सदलपुर ब्लॉक के रणधीरपुर ग्राम पंचायत इमली चुनाव चिन्ह से खड़े हुए कुलदीप सिंह ने विपक्ष महेंद्र नाथ मिश्रा पर काउंटिंग के दौरान अधिकारियों की सांठगांठ से कम वोट गिनती पर और विपक्षी को जिताने का आरोप लगाया है। कुलदीप सिंह उर्फ निक्की ने बताया कि महेंद्र नाथ मिश्रा, जो कि प्रधान पद पे प्रत्याशी के पद पर ग्राम पंचायत से कैमरा चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। आरोप है कि महेंद्र मिश्रा के लड़के ऋषि मिश्रा की ड्यूटी उसी मतगणना में लगी थी जिसमें काउंटिंग चल रही थी। नियमानुसार ग्राम पंचायत की काउंटिंग होने पर अनाउंस किया जाता है और समय भी बताया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं किया गया। वोटों की गिनती बिना बताए सुबह 3 बजे ही शुरू कर दी गई। इस बात की जब जानकारी हुई तो हमने वहां पर मौजूद अधिकारियों से शिकायत भी की, पर सांठगांठ के चलते ही नहीं सुनी गई। पूरी ग्राम पंचायत में कुल 1137 वोट डाले गए, गिनती सिर्फ 1131 वोट की गई थी। कुल 4 वोट से हार जीत कर दी गई, जबकि पूरे 1137 वोट की गिनती नहीं की गई। प्रत्याशी कुलदीप सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर दोबारा मतगणना की मांग करते हुए धांधली का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि निष्पक्षता की बात करने वाले जिलाधिकारी इस मामले में क्या करते हैं। क्या नाम भैया? कुलदीप सिंह। किस गाँव से ग्राम प्रधान के लिए खड़े थे? ग्राम पंचायत रणधीरपुर। क्या ऐसी क्या बातें हुई आपके साथ वहाँ पे जो गांव में आज कुछ लोग विरोध कर रहे हैं? हम पोलिंग के लिए संदलपुर कौरू ब्लॉक में पहुँचे हुए थे, तो काउंटिंग के लिए जो अनाउंसमेंट की व्यवस्था रखी गई थी कि जिस ब्लॉक से जिस ग्राम पंचायत का काउंटिंग शुरू होगी उसको अवगत कराया जाएगा, पर वहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था थी नहीं, या थी या दूसरों के लिए थी। हमारी ग्राम पंचायत का अनाउंसमेंट नहीं कराया गया। इस बात को आपने अपनी बात रखी थी वहाँ पर? हाँ। फिर क्या वहाँ से जवाब मिला? और जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की तो हमारे ग्राम पंचायत का जो समय दिया गया था वो सुबह 10 बजे का और 11 बजे का था, और जब बाद में पता चला तो हमारी ग्राम पंचायत का नाम हटा के सबसे लास्ट में कर दिया गया, उसको रात में ले गए। तो 3 बजे के लगभग जब काउंटिंग शुरू हुई है तो हमको अवगत नहीं कराया गया। जैसे तैसे हमको बाहर से जानकारी मिली तो हम लोग अंदर गए तो बॉक्स वहाँ अंदर पहुँच चुके थे। तो इस बीच में जब काउंटिंग शुरू हो गई तो उसका विरोध भी किया गया, पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा वहाँ पे। और जो हमारे विपक्षी प्रत्याशी थे महेंद्र नाथ मिश्रा, उनके पुत्र ऋषि मिश्रा वहाँ ऑलरेडी ड्यूटी पे थे, सो उनको भी विरोध पे कहा गया कि आप इनको बाहर करें, पर उन्होंने बराबर अपना हस्तक्षेप जारी रखा। ये चीज़ें थी जिसके लिए हम विरोध कर रहे थे बराबर, यानी जिनकी ड्यूटी लगी थी वो प्रत्याशी के पुत्र थे। हाँ, प्रत्याशी पुत्र थे वो ऋषि मिश्रा। इसका अंदर आपने भी विरोध किया? जी हाँ, विरोध किया था। मैंने एआरओ को लिखित में इसकी जानकारी भी दी थी, पर फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या किसी सच्चा मतकारी से अभी तक कोई शिकायत की? नहीं, मैंने एप्लीकेशन वगैरह तैयार की हुई है, डीएम साहब से संपर्क में है, उनके पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी वो ऑफिस में नहीं है, तो अभी तक एप्लीकेशन उनको रिसीव नहीं कर पाता है। मतगणना अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? उनकी तरफ से यही आश्वासन था कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, निष्पक्ष काउंटिंग हो रही है, पर वहाँ मुझे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। क्या कुछ ऐसे सबूत आपको वहाँ पर मिले जिसमें कुछ धांधली हुई? धांधली के लिए आपको बता दें कि जैसा कि वहाँ पर बैलेट पेपर जो अनवैलिड हुए थे जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जो इंक का इस्तेमाल हुआ था, जो यहाँ पे पोलिंग की इंक थी उसका और जो वहाँ पे निकली हुई थी उसमें बहुत फ़र्क था, क्योंकि यहाँ पे स्तंभ तक नहीं लग रहा था और वहाँ पे क्लियरली डार्क इंक थी।